क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में श्री गणेश की पूजा में कौन से पत्ते सबसे अधिक प्रिय माने जाते हैं? गणपति की पूजा में कुछ विशेष पत्तियों को अर्पण करने से आपकी प्रार्थनाएं जल्दी सुनी जाती है। चलिए जानते हैं उन 5 पत्तों के बारे में जिन्हें अर्पित करने से भगवान गणेश जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री गणेश प्रथम पूजनीय है, उनका पूजन सभी लोग बड़े भाव से करते हैं और दुर्वा चढ़ाते हैं। दुर्वा भगवान श्री गणेश को अति प्रिय है। अनलासुर नाम के राक्षस का भगवान ने गणेश जी ने वध किया और कश्यप ऋषि के कहने पर जब उनके पेट में जलन होने लगी तो दुर्वा की जो घास है वो भगवान ने ग्रहण की, जिससे उनकी पेट की जलन शांत हुई। तब से गणेश जी को दुर्वा अति प्रिय है और दुर्वा भगवान गणेश जी को हर पूजन में लगना अनिवार्य रूप से होने लगी है। लेकिन दुर्वा के अलावा भी 5 पत्तियां ऐसी है, यदि हम गणेश जी को अर्पण करें तो हमारे जीवन में से संकटों का नाश होकर के रिद्धि सिद्धि के दाता की कृपा बनती है। ज्योतिष शास्त्र बताते हैं कि अर्जुन वृक्ष के पत्ते गणेश जी को अत्यंत प्रिय हैं। ये पत्ते विशेषकर उन लोगों के लिए लाभकारी हैं जो नौकरी, प्रमोशन या सैलरी में वृद्धि चाहते हैं। इन्हें बुधवार को चढ़ाने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। अर्जुन के वृक्ष के पत्ते, यदि हम अर्जुन के वृक्ष के पत्ते चढ़ाते हैं गणेश जी को तो हमारे जीवन में से कष्टों का निवारण होता है। किसी प्रकार का भी हमारे जीवन में कोई विघ्न आता है, बड़ी समस्या आती है, तो हमें अर्जुन के वृक्ष के पत्ते भगवान को चढ़ाना चाहिए। केतकी की पत्तियाँ, केतकी के फूल की कोमल पत्तियों भी भगवान गणेश को बहुत प्रिय है। यदि आप नया उद्यम या काम शुरू कर रहे हैं तो इन पत्तियों को भगवान गणेश के चरणों में अर्पित करें। ऐसा करने से आपको उद्यम में शीघ्र सफलता मिलती है। केतकी के वृक्ष के पत्ते, यदि हम भगवान को केतकी के वृक्ष के पत्ते चढ़ाते हैं तो भी रिद्धि सिद्धि के स्वामी गणेश जी प्रसन्न होते हैं और शुभता की प्राप्ति होती है। सेम के पत्ते, सेम की पत्तियों अर्पित करने से भगवान गणेश जल्द ही मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद देते हैं। ये पत्तियां खासकर उनके लिए उपयोगी हैं जिन्हें किसी कार्य में बार बार बाधाएं आ रही हैं। सेम के पत्ते, सेम के वृक्ष के पत्ते यदि हम भगवान को चढ़ाते हैं तो भी हमारे जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य का वास होता है। आग के पत्ते, आग के पत्ते न केवल भगवान शिव के प्रिय हैं बल्कि भगवान गणेश भी इन्हें बहुत पसंद हैं। वित्तीय संकट से जूझ रहे लोगों को इन पत्तों का उपयोग करना चाहिए। कम से कम 11 पत्ते अर्पित करने से आर्थिक स्थिरता मिलती है। आंकड़े के वृक्ष के पत्ते, आंख जिसे बोलते हैं, वह यदि हम भगवान श्री गणेश को अर्पण करें तो भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कनेर के पत्ते, बुधवार को सफेद या पीले रंग के कनेर के पत्ते गणेश जी को चढ़ाएं। इन पत्तियों को चढ़ाने से हर प्रकार का संकट जल्द ही दूर हो जाता है और व्यक्तियों को परेशानियों से मुक्ति मिलती है। कनेर के वृक्ष के पत्ते यदि हम भगवान को अर्पण करते हैं तो भगवान हमारे जीवन से सारी परेशानियों को दूर करते हैं। तो ये थे वो 5 पत्ते जिन्हें गणेश जी को चढ़ाने से आपके जीवन में सुख और समृद्धि आ सकती है। श्री गणेश को बुधवार के दिन पूजन करके इनमें से कोई भी एक वृक्ष का पत्ता हम भगवान को अर्पण करें, 5-7 वृक्ष के पत्ते, यानी 5-7 की संख्या में वृक्ष के पत्ते ले लें किसी भी एक के और भगवान को अर्पण करें और हमारे मन के भाव उनके चरणों में प्रेषित करें तो विघ्नों को हरने वाले भगवान हमारे विघ्नों को हरण करेंगे और हमारे जीवन में शुभता, प्रभुता एवं ऐश्वर्यता की वृद्धि करेंगे। लोकल 18 उज्जैन से शुभम मर्मट की रिपोर्ट।